गाइस, आज हम लोग कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग आए हैं पीएन मॉल में, और मेरे पीछे क्या है देखिए, ये है गणेश जी। आगे पार्किंग है, पार्किंग के बारे में ये लोग बोलते हैं काफी सिक्योर पार्किंग है, वो तो अभी हम लोगों को जाने के बाद ही पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके आसमित बिहारी कपल आए हुए हैं एक बहुत ही नया मॉल जो आपका मुजफ्फरपुर में खुला है। इस मॉल का नाम है पी एंड एम मॉल, और नॉर्थ ईस्ट ट्रिप से वापस आते ही हमें पता चला कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में ये मॉल जो पिछले 10 साल से बन रहा था आखिरकार बन के कम्प्लीट हो गया है। तो हमने सोचा कि अभी तो हम लोगों के पास लंबा छुट्टी है नहीं, लंबा ट्रिप जो है वो बेसिकली आपका हम लोगों का शुरू होगा अभी अगले महीने से, हम लोगों को छुट्टी है, तो उससे पहले हमने सोचा कि चलो इसका एक ब्लॉग तो बनाना बनता है। बहुत ब्यूटी है, ये भी काफी अच्छा है, ये लोग बहुत ही अच्छा से डेकोरेट करके रखा है। ये मॉल पिछले 10 साल से मैं बनते हुए देख रहा था, बट फाइनली जाके ये बन गया है। और इस ब्लॉग की शुरुआत जय श्री गणेश के नाम के साथ, क्योंकि आगे मॉल के बिल्कुल राइट साइड में आपका सबसे पहले गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, और इसी मंदिर से हम लोग अपने इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग मॉल के अंदर जाएंगे। इस मॉल के अंदर घुसने के लिए मास्क लेना अनिवार्य रह दे दीजिए, दो मास्क। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉल जो है वो आपका प्रकाश झा का बनाया हुआ है, मतलब ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस मॉल, तो इसीलिए प्रकाश झा की बनाई हुई कुछ फिल्में अगर आप उनका नाम भूल गए होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे गंगा जल हो गया, विनो परीक्षा हो गया, चक्रव्यूह आश्रम सीरीज, वेब सीरीज भी प्रकाश झा का ही बना हुआ है। मास्क मॉल के अंदर जो है वो प्रवेश कर गए हैं, और यहाँ पे मास्क लगा के आना पड़ता है। मैंने तो लगाया हुआ है, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा इन लोगों का कमाने का तरीका है कि वहाँ पे जो अभी तो मास्क कोई लगा नहीं रहे ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग तो ऑल ओवर इंडिया घूम के आए हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये लोग स्टॉल भी लगा दिया है बाहर की, आपको 2 रुपए का मास्क लेना पड़े। आप कर लें तो अपने मास्क उतार ही लिया है, ये पहने ही नहीं है। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो किस तरीके का है, और मेरे पीछे आपको एक एक्सीलरेटर दिखाई देगा, एक्सीलरेटर इसी पे हम लोग चढ़ के अभी ऊपर जाएंगे। अंदर से इस मॉल का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सुपरमार्केट है इधर, अभी मैं पानी का एक बोतल लेने जा रहा हूँ, देखते हैं सुपरमार्केट के अंदर क्या क्या है। अभी जो है वो हम लोग वो अंदर जा रहे हैं। मॉल है जो अभी बस 2 सप्ताह पहले ही ओपन हुआ है, तो अभी यहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज या उतना सारा शॉप्स अभी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, उतना भीड़ भाड़ जितना जनरली होता है मॉल्स में, या फिर दिन का टाइम है अभी, बट कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पूरा जो है वो सब चीज भर जाएगा ऐसा हम उम्मीद। फर्स्ट फ्लोर पे ही आपका सबसे पहले ट्रेंड्स है, ये रिलायंस ट्रेंड्स होगा, जो उसमें हर चीज ऑलमोस्ट बहुत बहुत महंगा बिकता है, बट यहाँ पे 50% ऑफ है रिलायंस ट्रेंड्स पे, कोई भी सामान आप खरीदो। अंदर इस साइड बच्चे लोगों के खेलने वाला ये सब भी जो है वो आपका बनाया हुआ है, उधर कुछ अंदर जाने के लिए है, पता नहीं फायर पंप है उस साइड, और इधर आपका बच्चे लोगों को खेलने के लिए जो है वो ये सब चीजें हैं। तो मॉल के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप से वापस आने के बाद हम लोगों का ये पहला बिहार में ब्लॉग था, और हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पे मॉल खुल गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि अभी हम लोगों को अगले महीने के फर्स्ट वीक तक कोई लंबी छुट्टी नहीं है, तो उससे पहले हम लोग कोई सीरीज ऑफ वीडियोस या लंबे जो ट्रैवल ब्लॉग्स है वो हम लोग नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने छोटा कि तब तक लोकल ब्लॉग्स बनाते हैं। ट्रैवल ब्लॉग्स में हम लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि बिहार राइड करते हैं, जो बिहार के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर जो यहाँ जहाँ पे एडवेंचर हो सकता है उन सब जगहों पे करेंगे, नहीं तो नेपाल राइड करेंगे। तो नेपाल या बिहार राइड में से कोई हम लोगों का 100% आपको नेक्स्ट महीने से देखने के लिए शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से देखने के लिए आपको मिलने लगेगा। अभी आत्मिस गर्ल कुछ बोलना चाहेगी। और हम लोग यहाँ पे अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि अंदर आप लोगों को वीडियो करने नहीं देते हैं, फिर भी हम लोगों ने बाहर कुछ दिखाया है। और ये देखिए पीछे ब्लॉग
जो मॉल है पीएन मॉल, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी यहाँ पे आके देखिए कैसे बने हैं। और ये है प्रकाश झा, जो आप सब लोग जानते ही हैं, और हम लोग भी इसी वजह से आए थे क्योंकि हम लोग आसाम से आने के बाद अच्छा ब्लॉग नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग की वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा।